ये माताएं, मैं अगर हिमाचल की बस में बैठ गया तो फटाक से कंडक्टर मुझे और विक्रम ठाकुर को कहेगा कि भाई लाओ 100 रुपया टिकट, 100 रुपये की तो 100 रुपया मांगेगा, देनी भी पड़ेगी। मगर बहने आप अगर बैठ गई तो वो 100 की जगह 50 मांग लेगा और आपको 50 में ही टूरिज्म करा देगा। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने माताओं के सम्मान के लिए समग्र हिमाचल के अंदर यात्रा में 50% कर दिया। पहली बार हिमाचल सरकार ने अपने बजट का 20% हिस्सा माताओं बहनों के लिए रिजर्व कर नारी शक्ति को प्रणाम करने का काम किया है। मुख्यमंत्री सगुन योजना के तहत सात हजार बेटियों को शादी कराई। बेटी अनमोल योजना के तहत 1,36,920 लाभार्थियों को 41 करोड़ रुपया दिया। कन्यादान योजना के तहत 8,500 बेटियों को 39 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। मैंने पहले बताया 1,38,000 घरों में गैस भेजा और लगभग अन्य योजना के तहत 30,00,000 लाभार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट 2.5 साल से अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार।